हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ट्रेवल डिस्टेंस में। मैं हूं अमर और दोस्तों इस समय मैं हूं भारत के एकमात्र विष्णु जी के 24 अवतार वाले मंदिर में, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो दोस्तों मंदिर कहाँ है, यहां पर आप कैसे आ सकते हैं, यही सब चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, और सबसे खास बात चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए। तो चलिए मेरे साथ। श्री 24 अवतार मंदिर आने के लिए आपको देपालपुर आना होगा। देपालपुर इंदौर से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। देपालपुर आने के लिए आपको इंदौर के बड़ा गणपति स्क्वायर से बसेस मिल जाएगी, जो आपको 1.5 घंटे में देपालपुर छोड़ देगी, जिसका किराया 50 से 60 रुपये रहता है। देपालपुर आने के लिए सबसे अच्छा हुआ कि आप अपने पर्सनल व्हीकल से ही आए, क्योंकि रास्ते में आपको बिजासन टेकरी और पितृ पर्वत मिल जाएंगे। यहाँ भी आप दर्शन जरूर कीजिएगा और रिटर्न में आप अपने टाइम के हिसाब से रिटर्न हो सकते हैं। तो दोस्तों 24 अवतार वाले मंदिर पर हम आ चुके हैं। यहाँ तक पहुँचने में मुझे करीब 1.5 घंटा लगा। मैं अपने पर्सनल व्हीकल बाइक से ही आया और यहाँ पर आपको बाइक खड़ी करने की और कार खड़ी करने की आपको पार्किंग मिल जाएगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। इसका आपका कोई चार्जेस नहीं देना रहता है। तो सीधे हम चलते हैं मंदिर की ओर। पहले मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसी मंदिर में आपको विष्णु जी के 24 अवतार के दर्शन एक साथ करने को मिलेंगे। तो दोस्तों मंदिर परिसर में हम आ चुके हैं और यहाँ से आपको विष्णु जी और एक भव्य मूर्ति दिख रही होगी। और इस साइड हम देखेंगे तो यहाँ पर विष्णु जी के आपको 12 अवतार मिलेंगे, और इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको अगले विष्णु जी के 12 अवतार मिलेंगे। तो पहले हम दर्शन करते हैं और सारे अवतारों के भी दर्शन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी और कितनी भव्य आपको मूर्ति दिख रही है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। शायद ही आपने ऐसी मूर्ति देखी होगी। तो दोस्तों भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के दर्शन तो हमने कर लिए हैं, अब हम विष्णु जी के 24 अवतार के भी दर्शन करते हैं। मैं भी करता हूं और आपको भी कराता हूं। चौबीसवें जो अवतार होंगे वो कलगी अवतार होंगे, जैसा कि विष्णु जी ने कहा था कि जब भी वो अवतार लेंगे तो कलगी के रूप में अवतार लेंगे, वो जो कि घोड़े पे आएंगे। दोस्तों मंदिर बहुत शानदार है और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। वैसे दोस्तों अभी इस मंदिर के बारे में कमी लोगों को पता है, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हो पाया है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को मंदिर के बारे में पता चले और वो भी अपने यहाँ आकर दर्शन का लाभ ले सकें। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। शायद मैंने आपको गलत बता दिया था, ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का एकमात्र 24 अवतार वाला मंदिर है। यहाँ पर आप इसका सर्टिफिकेट देख सकते हैं, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित है ये मंदिर।
दोस्तों एक अवार्ड और मिला है इस मंदिर को, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। तो कितना फेमस मंदिर है यहाँ आप देख पाएंगे, दोनों सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। दोस्तों इस मंदिर में आने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर आप भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के दर्शन तो आप कर ही लेंगे, साथ में भगवान विष्णु जी के 24 अवतार के भी आप दर्शन कर लेंगे, साथ में उनके नाम भी जान लेंगे। जैसा कि अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे 24 अवतार के नाम बताइए तो आप नहीं बता पाओगे, मुश्किल से एक दो ही नाम बता पाओगे, जैसे कि राम जी, कृष्ण जी, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, जो कि जो हमेशा फेमस रहते, लेकिन 24 अवतारों के नाम नहीं बता पाओगे। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप सभी के दर्शन कर लेंगे और उनके नाम भी जान लेंगे। दोस्तों बच्चों को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ रखी गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं छोटे बच्चे अगर आपके साथ आते हैं तो यहाँ पर उनके लिए भी कुछ है, और यहाँ पर कुछ सामने दुकान वगैरह भी हैं, अगर आप कुछ लेना चाहो तो ले सकते हो, और खाने पीने की भी आपको यहाँ पर अरेंजमेंट मिल जाएगा। दोस्तों मंदिर परिसर में आपको एक गौशाला भी मिल जाएगी जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, और आप गाय के लिए कुछ भी दान करना चाहो तो इस दान बॉक्स में आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो दोस्तों इस मंदिर के अलावा यहाँ पर और भी मंदिर बनने वाले हैं, जैसे शिव जी के 12 रुद्र अवतारों का मंदिर भी एक यहाँ पर बनेगा, साथ में नव दुर्गा मंदिर भी बनेगा। तो जब ये दोनों मंदिर बन जाएंगे तो यहाँ पर और भी अच्छा आपको लगेगा जब आप आओगे। मंदिर कब बनेगा अभी इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर दो मंदिर और बनने वाले हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ आके हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। सबसे खास बात कि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं वीडियो बनाता हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इस मंदिर के बारे में अभी कम ही लोगों को पता है, कम ही एक्सप्लोर हो पाया है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों को इस मंदिर के बारे में जानकारी होगी उतना ही आएंगे। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ के लोग इसे पाँचवा धाम कहते हैं, तो अभी तो खैर ऑफिशियली पांचवा धाम नहीं है, लेकिन जितने लोग यहां पर ज्यादा आएंगे वो ये पांचवा धाम बन सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।